नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग सेलुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों को देखेंगे, जो कि इस सीरीज श्रृंखला में जो है वो लेक्चर नंबर 11 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सेलुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स ऑफ सेलुलर नेटवर्क प्लानिंग है, जिसके माध्यम से हम अपनी जो सेलुलर सेल्स होती हैं या सेलुलर क्लस्टर है उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकें, मतलब नंबर ऑफ यूजर को पर यूनिट एरिया हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूजर बढ़ाने का मतलब है कि जो भी हमारे पास चैनल्स होंगे, डुप्लेक्स चैनल, उनकी संख्या हमको इफेक्टिवली पर यूनिट एरिया इंक्रीज करनी होगी। तो इसी क्रम में हम लोगों ने लास्ट टर्म में बेसिकली जो है वो सेक्टरिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर जो हमारा सेलुलर क्लस्टर है, उस क्लस्टर की जो सेल्स हैं उसको कैसे हम लोग उस हेक्सागोनल सेल को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, वहीं आपने देखा था कि आपने 120 डिग्री की सेक्टरिंग की थी, फिर आपने देखा था कि कैसे हम लोगों ने उसको नंबर ऑफ सेक्टरिंग बढ़ाते गए थे। तो जो हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ सिस्टम थे वो क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और नंबर ऑफ यूजर जो एसेसिबिलिटी है वो भी हमारी बढ़ती जा रही थी। तो इस तरीके से हम लोग 120 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे जितने जितना हम सेक्टर साइज छोटा करते जाएंगे बेसिकली, उतना क्या होगा पर यूनिट एरिया जो हमारी सिस्टम की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो बेस स्टेशन हो या नंबर ऑफ जो डुप्लेक्स चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉल को कंप्लीट करने के लिए, वो पर यूनिट एरिया क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसी क्रम में बेसिकली आज हम लोग जो है वो उसी नेटवर्किंग प्लानिंग का जो है वो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें कवरेज प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग और सेल स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग, ठीक है। इसमें सेक्टरिंग को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे उसको हम स्प्लिटिंग के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को जब हम समझेंगे तो हम देख पाएंगे कि कैसे जो है सिस्टम को किसी पर यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ यूजर्स, अर्बन एरिया की क्या जो है वो सेलुलर सिस्टम की प्लानिंग होनी चाहिए, अगर हम जो है वो जो है शहरों में, अगर जो है ग्रामीण परिवेश में जो है अपने मोबाइल सिस्टम की जो नेटवर्किंग की प्लानिंग कर रहे हैं सेलुलर सिस्टम की, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो इसके हम भली भांति समझ पाएंगे। तो आइए इन्हीं तीन, कवरेज प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग और सेल स्प्लिटिंग की प्लानिंग के द्वारा हम जो है नेटवर्क, जो हमारे सेलुलर नेटवर्क की प्लानिंग को है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ स्प्लिटिंग। बेसिकली सेल्फ स्प्लिटिंग होती क्या है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल स्प्लिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ मोबाइल सेल इनटू सेवरल स्मॉलर सेल्स, ठीक है। दिस इज यूजली डन टू मेक मोर वॉइस चैनल्स अवेलेबल टू अकोमोडेट ट्रैफिक ग्रोथ इन द एरिया कवर्ड बाई द ओरिजिनल सेल। इसमें करते क्या है कि जो हमारा क्लस्टर के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, आपने देखा था किसी क्लस्टर में चाहे जो है मिनिमम 7 सेल अगर हम रखते हैं या 4 सेल रखते हैं, तो कैसे हम उन सेल्स को आपस में जो है स्प्लिट करते हैं, मतलब छोटे छोटे उस एक बड़ी सेल के अंदर हम छोटे छोटे सेल्स में और उस बड़ी सेल को स्प्लिट कर दें, ताकि क्या हो कि जो हमारा नंबर ऑफ सिस्टम पर यूनिट एरिया है, ठीक है, सिस्टम की एसेसिबिलिटी है यूजर की उस सिस्टम को, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए कि हमारे पास एक पूरा लखनऊ शहर को जो है वो कवर करने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है, अब हम क्या करें, ये जो हमारी लखनऊ शहर का जो सेल है इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, जैसे इंदिरा नगर को एक अलग बेस स्टेशन प्रोवाइड कर दें, अलग जो है चैनल्स प्रोवाइड कर दें, गोमती नगर को अलग चैनल्स प्रोवाइड कर दें, ठीक है, आलमबाग को अलग चैनल प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि लखनऊ को हमने क्या किया, छोटे छोटे सेक्टर्स में क्या कर दिया, और स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि अभी तक जो हमारा एक सिस्टम, एक बेस स्टेशन से रिलेटेड सिस्टम
पूरे लखनऊ को कवर कर रहा था, अब क्या होगा कि वो लखनऊ जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो क्या होगा कि गोमती नगर के लिए अलग हमारा पूरा सिस्टम हो गया, जिसमें एक बेस स्टेशन लगा और उसमें कई सारे जो आपके चैनल थे वो अलग प्रोवाइड हो गए। इंदिरा नगर के लिए आपका अलग सिस्टम हो गया, ठीक है, आलमबाग के लिए आपका अलग सिस्टम हो गया। तो अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ यूजर्स थे, मान लीजिए पुराने सिस्टम में हमारा एक समय में 100 यूजर उस सिस्टम को यूज कर पा रहे थे, और हमने अब क्या किया, लखनऊ को 3 सेक्टर में विभक्त कर दिया है, तो क्या होंगे कि अगर 100-100 की कैपेसिटी के ईच चैनल हैं, तो टोटल लखनऊ में यूजर क्या होंगे, अब 300 हो जाएंगे, जो एक समय में उस सिस्टम को क्या होगा, एसेस कर पा रहे होंगे। तो आपने समझा कि स्प्लिटिंग का यूज करके कैसे हम सिस्टम को और यूजर एसेसिबल और इफेक्टिव बना सकते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ यूजर की एसेसिबिलिटी क्या हो पाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जब हम सेल को छोटा करने का प्रयास करते हैं, मतलब छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, कुछ सेल्स के जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज होंगे, ठीक है। तो इफ द रेडियस ऑफ द सेल्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम आर टू आर बाय टू, द एरिया ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम एरिया टू एरिया बाय फोर, मतलब रेडियस को अगर आप आधी करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जो अभी चार गुना जो है हमारा सिस्टम, एक ही सिस्टम उस 4 एरिया को कवर, 3 एरिया को कवर कर पा रहा था, अब क्या है, अगर उसकी रेडियस को आपने वो जो है वो हाफ कर दी, मतलब एरिया का साइज छोटा कर दिया, तो अब क्या होगा, उस 4 गुना सिस्टम की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो पूरा हमारा शहर लखनऊ था, जिसमें हमने बताया कि आपका गोमती नगर है, इंदिरा नगर है, आलमबाग है, और एक चौथा मान लें जानकीपुरम का एरिया है, तो ये 4 हमारे सेक्टर क्या हो गए, क्रिएट हो गए, और चारों के पास अपने अपने बेस स्टेशन, अपने अपने डुप्लेक्स चैनल्स होंगे, जो क्या करेंगे, इस लोकल लेवल पे जो आपके यूजर्स हैं, अब क्या होगा, उस सिस्टम को एसेस कर पाएंगे, ठीक है। इंदिरा नगर वाला जो यूजर है वो जानकीपुरम वाले यूजर्स के सिस्टम को नहीं एसेस करेगा, दोनों के अपने अपने आइसोलेटेड सिस्टम होंगे। हाँ, फिर यहीं पे क्या है कि अभी तक क्या था कि एक बड़े एरिया में हम एक फ्रीक्वेंसी को दे रहे थे, अब क्या होगा कि वही सेम फ्रीक्वेंसी हो सकता है हमारा जो है वो इंदिरा नगर में भी यूज हो रही हो, और वही आपका जानकीपुरम में भी यूज हो रही हो। तो संभावना क्या है कि पहली चीज तो जो हमारा हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक एक बार सिस्टम कनेक्ट होता था तो जो हमारा मोबाइल सिस्टम है वो पूरे लखनऊ में मूव करे उसको सिर्फ एक ही बेस स्टेशन से कनेक्ट रहना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी इंदिरा नगर वाला यूजर जानकीपुरम की तरफ शिफ्ट करेगा, क्या होगा कि उसको हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और आप जानते हैं कॉल ट्रांसफर में जो है कॉल लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल उस थ्रेशोल्ड के नीचे जाएगा, फिर नीचे जाने से पहले जो है कॉल को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बढ़ती गई, ठीक है। तो सेल स्प्लिटिंग ने हमको हम सेल स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके सिस्टम को की जो कैपेसिटी थी उसको इंप्रूव तो कर ले गए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक भी एसोसिएट हुए, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स हम बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि जनरली रिसर्च में देखा गया है कि बेसिकली क्या है, हमारा जो कॉल होता है वो लोकल लेवल पे ज्यादा होता है, ठीक है। जिस कम्युनिटी में हम रह रहे होते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द हमारे जो नेबर्स हैं या हमारे जानने वाले हैं वो लोकल लेवल की ही कम्युनिटी में रहते हैं, और दिन भर में अगर हम 10 कॉल किसी को कर 10 कॉल अपने मोबाइल फोन से कर रहे होते हैं, तो 7-8 कॉल हम लोकल लेवल पे ही करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हॉस्टल्स में रहते हैं, तो हॉस्टल में क्या है कि ज्यादातर आपके फ्रेंड सर्किल उसी हॉस्टल के में जो रह रही होती है, और आप जो है उन्हीं को आपस में कॉल करते हैं, कुछ बात करना हुआ, कुछ पूछना हुआ, ठीक है। आपको अपने घर फोन करना है तो क्या है, दिन भर में एक बार बात करेंगे। तो ये देखा गया है जनरली कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यूजर्स हैं वो लोकल लेवल पे कॉल करते हैं, तो अगर हम सेल साइज को छोटा करके और सिस्टम की जो हमारी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर दें, तो हमारे सिस्टम पे बहुत हार्म नहीं आएगा। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी जरूर इंक्रीज कर गई कि आपका हैंड्स ऑफ की प्रक्रियाएं बढ़ जाएंगी, हर जो सेक्टर जैसे 4 भागों में हमने लखनऊ को डिवाइड किया,
तो इंदिरा नगर का हमारा अलग एक सिस्टम होगा, एक बेस स्टेशन होगा, उससे एसोसिएटेड जो है वो चैनल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह जो है गोमती नगर में एक अलग बेस स्टेशन होगा, उससे रिलेटेड जो है आपके डुप्लेक्स चैनल होंगे। फिर आपका जानकीपुरम का जो एरिया है वहां पे भी आपका अलग जो है वो बेस स्टेशन होगा, उससे रिलेटेड जो है डुप्लेक्स चैनल होंगे। ऐसे ही आलमबाग के लिए आपको अलग बेस स्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो उसके चैनल होंगे अलग अलग होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पहले मान लीजिए किसी एक सेल से रिलेटेड, जैसे आपने देखा था कि 50 to 60 मान लीजिए हमारे पास डुप्लेक्स चैनल है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे पास 100 चैनल किसी एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड हैं, तो अभी तक वही 100 चैनल तो पूरे लखनऊ को कवर कर रहे थे। अब क्या हुआ, आपने हर एक सेक्टर को एक सेटअप प्रोवाइड कर दिया और हर एक सेक्टर के पास क्या है अपने 100 डुप्लेक्स चैनल हैं, जिनके माध्यम से यूजर्स क्या उसको एसेस कर पाते हैं, कॉल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरह से अब लखनऊ का एरिया ही क्या हो गया हमारा, 400 यूजर हैंडल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द 4 सेक्टरिंग सेक्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा बड़ा हेक्सागोनल सेल था उसको हम छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो सेल स्प्लिटिंग इज यूजली डन ऑन डिमांड व्हेन इन अ सर्टेन सेल देयर इज टू मच ट्रैफिक व्हिच कॉजेज टू मच ब्लॉकिंग ऑफ कॉल्स, ठीक है। द कॉल इज स्प्लिट इंटू स्मॉलर माइक्रो सेल्स, ठीक है। यहाँ पर सेल को हम स्मॉलर, जैसे मैंने बताया कि एक बड़े एरिया को हम लोग छोटे छोटे एरिया में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। बेसिकली है क्या कि हम इसमें ऑन डिमांड जो है वो बेसिकली ये प्रोसेस कर रहे हैं कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ यूजर्स हमारा जो है वो किसी पीक टाइम पे, जैसे सुबह का जो है 8 to 11 का समय हो गया, उस टाइम ज्यादा रहते हैं, या शाम को जो प्राइम टाइम होता है बेसिकली 6 to 9 के बीच में, उसमें आपका कॉल लोड ज्यादा होता है। तो उसमें है क्या कि शहरों में बेसिकली कॉल ज्यादा करी जाती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू रूरल एरिया। तो जो स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो जितनी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटीज हैं वहां पर हम उसको छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, एक बड़े सेल को, और इस तरीके से हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं सेल्फ स्प्लिटिंग क्या है। जैसे आपने देखा कि इस डायग्राम में एक आपका जो है वो क्लस्टर है जिसमें आपका 7 सेल्स हैं, ठीक है, एक सेंटर पे है और 6 जो है इसके अराउंड, ठीक है। तो इस जो हमारा ये 7 सेल का जो एक जो है वो ये कंप्लीट जो है आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या करें कि एक पर्टिकुलर जो हमारा सेल है अब इसको हमें स्प्लिट करना है, तो हम क्या करें कि इसके अंदर हम इसको छोटे छोटे जो है वो 3 सेल का एक जो है वो क्लस्टर हमने बना दिया, फिर उन्हीं क्लस्टर में हम क्या करें वो छोटे साइज का और माइक्रो लेवल पे इसको हम क्लासिफाई कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़े सेल को, मान लीजिए ये आपका पूरा शहर लखनऊ है, ठीक है, ठीक है, और उसको आपने क्या किया कि छोटे छोटे, ये बड़ा वाला है एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें कि आपका पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और इसमें ये वाला सेक्टर आपने लखनऊ के लिए जो है वो कर रखा है, फिर इसमें आपने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए आपने छोटे छोटे जो है वो सेक्टर जो है वो सेल की स्प्लिटिंग कर दी। तो इस तरीके से हम किसी एक बड़े जो है वो नेटवर्क को छोटे छोटे सेल्स के फॉर्मेट में स्प्लिट कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट ये क्यों किया जा रहा है आप समझ गए होंगे कि इससे क्या है कि नंबर ऑफ यूजर्स जो है हमारा किसी इफेक्टिव जो हमारा एरिया है उसमें हमारा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर यही बेसिकली होता क्या है कॉन्सेप्ट कि जैसे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेल्स की स्प्लिटिंग क्या है ज्यादा दिख रही होगी, डेंस दिख रही होगी, तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे ये क्या है, कोई अर्बन एरिया है, कोई शहरी क्षेत्र है जहां पे नंबर ऑफ यूजर्स क्या है ज्यादा है। तो हम बेसिकली क्या है, जहां आप जैसे रूरल एरिया है, रूरल एरिया में ज्यादा इतना फोन वगैरह का एसेस जनरली नहीं होता है, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं वहां सेल का साइज हम बहुत छोटा नहीं रखते हैं, ठीक है, या वहां सेक्टरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम सेक्टरिंग या जितना ज्यादा हम सेल स्प्लिटिंग करेंगे उतना ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम एक सेल का साइज छोटा रखते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल के लिए जो हमें बेस स्टेशन और जो हमें
ट्रांसपॉन्डर्स और जो भी एलिमेंट्स लगते हैं किसी एक नेटवर्किंग एंटीना को खड़ा करने में, सभी कुछ की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो कॉल की डेंसिटी है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा है, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया की जो सेल्स होते हैं हम उनको जो है वो ज्यादा स्प्लिट करते हैं, उनका साइज छोटा रखते हैं एज कंपेयर टू द, अगर हम रूरल एरिया की बात करें या जिस ज्योग्राफिकल एरिया में ज्यादा जो है वो फोन यूज नहीं हो रहा है कॉल के लिए, तो हम वहां पे साइज जो है वो उतना छोटा नहीं रखते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी तो इफेक्टिव बढ़ जाएगी ना, जितना ज्यादा हम उसमें सिस्टम एंगेज करेंगे उतना ज्यादा कॉस्टली और उतने वो यूजर नहीं है, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्या है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस सेक्शन में नहीं करेगा, ठीक है। और लेकिन जहां पे नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, अगर हम सेल्फ स्प्लिटिंग या सेक्टरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बार बार फोन करेंगे ना, हमको चैनल हमेशा बिजी बताएगा, क्योंकि भाई आपने सिस्टम व्यवस्था जो है वो 10 लोगों की कर रखी है और आपके यहाँ इन्विटेशन एक समय में 100 लोग आ जा रहे हैं, तो क्या होगा, अफरा तफरी मचेगी, ठीक है। तो उस अफरा तफरी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा कर लें, जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई फंक्शन है और आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया और 10 लोगों के में हर एक फैमिली से एक को बुलाया और हर फैमिली से ही 10-10 लोग आ गए, तो 100 लोग आ गए। अब उन 100 की व्यवस्था तो आपने की नहीं थी, आपको पता था कि 10-10 लोग आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि जिस एरिया में काउंटर लगा है उसमें उस काउंटर में जो आइटम्स हैं उनको आप छोटे छोटे जो है सेक्टर में विभक्त कर दीजिए, कि उसी सेम आइटम्स को क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पे लगा दीजिए, ताकि भीड़ क्या हो वो बढ़ जाए, एक ही स्टॉल पे सब लोग ना आने पाए, ठीक है। या जनरली देखा ही है कि आपका जो है वो बेसिकली फूड आइटम्स अलग लगे होते हैं, ठीक है, चाइनीज आइटम्स अलग रहते हैं, तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या है भीड़ को जो है स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जहां पर गैदरिंग ज्यादा है वहां पर सेल्फ स्प्रेडिंग और सेक्टरिंग का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, और कैसे हम अपने नेटवर्क के यूजर्स को जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा उनको यूसेज प्रोवाइड कर पाए, ताकि उनकी कॉल हमेशा या लॉस होने की संभावना कम हो, और जब भी वो कॉल करें उनको नेटवर्क बिजी ना मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि जब हम कॉल करें और नेटवर्क बिजी रहता है, तो आप जानते हैं आपको कि पोर्टेबिलिटी भी है। पहले क्या होता था कि हम सोचते थे हम यूजर बदलेंगे तो हमारा फोन नंबर बदल जाएगा, ठीक है, अब तो ये भी डर नहीं है, नंबर हमारा वही रहेगा, हम फिर क्या करेंगे मोबाइल्स की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको स्विच कर जाएंगे, ठीक है, हम एयरटेल यूज कर रहे हैं, अच्छा अगर नहीं करेगा तो हम BSNL पे स्विच कर जाएंगे या किसी और पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत कंपटीशन होता है सर्विस प्रोवाइडर में कि हमारा यूजर हमको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाए, ठीक है। अगर दिन भर में व्यक्ति 1 रुपए का भी कॉल कर रहा है और उसके पास 1 करोड़ यूजर हैं, तो आप देखिए 1 करोड़ उसकी पर डे की इनकम है, ठीक है। तो इसलिए बहुत कंपटीशन है, तो सभी कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं और ज्यादा से ज्यादा यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम सेल की स्प्लिटिंग करके अपने जो है वो सिस्टम को और इफिशियंट बनाते हैं, यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, और सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर की यूजर डेंसिटी जो है वो कैसे इनहेंस कर पाते हैं, ठीक है। अब कुछ देखिए इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, जैसा मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सिस्टम इनहेंस करना पड़ेगा, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है देखते हैं कि इन प्रैक्टिस Not all cells are split simultaneously. Therefore, we may have cell of different sizes. ठीक है, अभी तक क्या था जो हमारी सेल की किसी क्लस्टर में जितने सेल थे सबका साइज हम ये मान के चलते थे कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक हेक्सागोनल शेप में है और सभी सेल के साइज क्या है यूनिफॉर्म साइज के हैं। लेकिन जब आपने स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो क्लस्टर के जिन सेल्स में ज्यादा नंबर ऑफ यूजर थे, मतलब ज्यादा यूजर डेंसिटी थी, वहां पर हमने सेल स्प्लिटिंग कर दी, तो अब क्या हो गया कि कुछ जगहों पे सेल का साइज छोटा हो गया, जैसे अर्बन एरिया की बात करें, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में क्या है नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है तो वहां सेल का साइज क्या हो गया छोटा हो गया, और एज कंपेयर टू जो है अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, ग्रामीण एरिया की बात करें, रूरल सेक्टर में आपका क्या होगा उतने यूजर नहीं है तो आपका सेल साइज एज इट इज रहा,
ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो यूनिफॉर्मिटी थी सेल साइज की वो खत्म हो गई, ठीक है। अब हमको एनालिसिस करने के लिए कुछ अलग से भी उसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा किसी किसी सिस्टम की, अगर हम एनालिसिस करें कि सिस्टम कैसे जो है वर्क कर रहा है, ठीक है, सेलुलर कॉन्सेप्ट में। तो ऑल द हैंड्स ऑफ बिटवीन द सेल्स एंड माइक्रो सेल्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ सो दैट हाई स्पीड एंड लो स्पीड मोबाइल्स आर इक्वली सर्व, ठीक है। अब वही मैंने बताया कि जैसे हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया भी हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ जो है वो ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है। अभी तक क्या था कि जो स्लो स्पीड मोबाइल होते थे उन्हें उनमें हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया में दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जो फास्ट स्पीड के होते थे उसमें दिक्कत होती है। अब क्या है, यहाँ पे हाई और फास्ट दोनों लगभग सेम जो है वो स्पीड से जो है वो हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, और उनकी सर्विसेज उनको जो सिस्टम के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी लगभग सेम हो जाएंगी, ठीक है। डिक्रीजिंग सेल साइज रिजल्ट्स इन मोर हैंड्स ऑफ पर कॉल एंड हायर प्रोसेसिंग लोड पर सब्सक्राइबर, ठीक है। दस द हैंड्स ऑफ रेट विल बी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। आपने देखा कि जैसे हम थोड़ी दूर मूव करेंगे पता चलेगा कि हमें अब एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में इंट्री लेना पड़ेगा, तो हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, और हैंड्स ऑफ इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है, वो चूंकि ऑटोमेटिक है इसलिए आपको पता नहीं चलता है, अदरवाइज पूरा पूरा मतलब हैंड ओवर करना पड़ता है कॉल को, एक बेस स्टेशन जो हैंडल कर रहा था अब वो दूसरे बेस स्टेशन को सारी आपकी कॉल की जो प्रक्रिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ जो जो है इसमें क्या है बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर के तौर पे हम लोग देखें एक एक्सरसाइज के माध्यम के से कि बेसिकली ये हमारा कोई एक फिगर जो इंडिकेट कर रहा है बेस स्टेशंस, ठीक है, एयरलाइन कैपेसिटी को, तो इस स्ट्रक्चर को आप देख के आपको ये फाइंड आउट करना है कि बेसिकली जो ये हमारा एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है ये किस हिसाब से किया गया है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है Considering this radio coverage, could you identify the topology of the different areas? ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें तो सेल का साइज जहां बड़ा होगा मैंने बताया बेसिकली वहां क्या होगा यूजर की डेंसिटी कम होगी, और जहां सेल का साइज छोटा होगा बेसिकली वहां यूजर की डेंसिटी क्या होगी हाई होगी। तो इस हिसाब से इस एरिया को हमें आइडेंटिफाई करना है, इस टोपोलॉजी को, इस आर्किटेक्चर जो हम जिसके थ्रू हम सेलुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो किसी नेटवर्क को जो है वो सेट कर रहे हैं, तो वो है क्या। तो उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो टोपोलॉजी उसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको दिखाया गया है कि देखिए जो हमारा टाउन है, ठीक है, टाउन है मतलब जहां पर आपका नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, ठीक है, वहां पर क्या है सेल का साइज छोटा है जिसको आप पिंक कलर से देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका ब्लू कलर से जो है हाई से आपका हाईवे दिखाया गया है, और आप देख रहे होंगे इसमें कि जो आपका सेल्स है एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो हमने ऐसे एजम्पशन ली है कि हाईवे जनरली क्या है कोई स्ट्रेट लाइन है, और इसमें सेल का जो है वो साइज क्या है एज कंपेयर टू जो टाउन एरिया है उससे तो बड़ा ही है, ठीक है, लेकिन इन रो है, ठीक है, एक लाइन में है सब। और रूरल एरिया में देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली ये वाला जो आपका एरिया है जिसको आप ऑरेंज से बेसिकली हम लोग दिखा रहे हैं उसमें क्या है कि नंबर ऑफ यूजर एज कंपेयर टू जो है रूरल एरियाज तो ज्यादा है, बट एज कंपेयर टू जो हाईली डेंस अर्बन एरियाज हैं उनसे कम है। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी ऑप्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, और हम बेसिकली क्या है कि ये सभी सिस्टम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ताकि देखिए कोई सिस्टम जितना कॉस्टली हो जाएगा उस सिस्टम को यूज करना भी क्या हो जाएगा उतना कॉस्टली पड़ेगा, तो यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, यूजर इफेक्टिव नहीं होगा, तो नंबर ऑफ यूजर उसको कम प्रिफर करेंगे। तो इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो इन सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती हैं ताकि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा कॉल फैसिलिटी हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से
आपने देखा कि कैसे आप लोग ने सेल का जो है साइज और सेल का जो है सेक्टर डिवाइड करके स्प्लिट करके उसको कैसे आपने नंबर ऑफ यूजर यूजर डेंसिटी को आपने इंक्रीज किया। अब इसी क्रम में कुछ हम लोग और ड्रॉबैक्स देखते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है फेडिंग का। तो फेडिंग क्या है? टाइम वेरिएशन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। जब हम किसी एक ट्रांसमीटर से रिसीवर पर सिग्नल को सेंड कर रहे हो और टाइम लैग के कारण एक तो जो है सिग्नल पहुंचा और दूसरा सेम सिग्नल अगर थोड़ा टाइम डिले के कारण पहुंचा, तो बेसिकली होता क्या है कि उसमें कुछ इंटरफेरेंस आते हैं, ठीक है। और वहीं पर फेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्यों आती है? कॉज्ड बाई चेंजेस इन द ट्रांसमिशन पाथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मल्टी पाथ्स हैं, एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, एक किसी जो है बिल्डिंग से टकराते हुए वो सिग्नल आ रहा है, तो दोनों में क्या हो गया? पाथ का डिफरेंस है, और पाथ का डिफरेंस है तो दोनों में टाइम का डिफरेंस भी होगा, और टाइम का डिफरेंस होगा तो उसके कारण जो है इस तरह के सिस्टम मिलेंगे। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के मान लीजिए रेनी है या क्लाउडी है, तो क्लाउडी है तो क्या हुआ, एक क्लाउड के सरफेस पे टकरा के भी हमको रेज मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा जब मूवमेंट ऑफ मोबाइल यूनिट एंटीना जब मूव कर रहा हो तब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि नंबर ऑफ जो हमारा सिग्नल्स हैं वो ड्यू टू द ट्रांसमिशन पाथ डिफरेंस के कारण किसी रिसीवर पे जो रिसीव हो रहा है, तो इसको हम फेडिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। और फेडिंग में बेसिकली अगर यहीं पर हम बात करें कि ये आते किस कारण से हैं, तो ये बेसिकली होते हैं जो पाथ डिफरेंस आते हैं ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ द जो आपकी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ठीक है। तो मल्टी पाथ प्रोपगेशन के कारण बेसिकली ये आपके सिस्टम में आते हैं। और रिफ्लेक्शन की बात करें तो सरफेस लार्ज रिलेटिव टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में जब भी हमारा सिग्नल जा रहा हो, एक से ज्यादा जब सिग्नल जो है वो रिसीव होता है, सेम सिग्नल जो है वो मल्टी पाथ डायरेक्शंस का यूज करके हमारा रिसीवर पे आते हैं, तो उसी के कारण आपका फेडिंग होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक कोई यूजर था, ठीक है। अब इस यूजर से जो सिग्नल चला उसके बहुत सारे जो है ऑप्शन थे ट्रांसमिट होने के। एक तो जो है वो जो बिल्डिंग थे उससे टकरा के आ रही जा रहा है, एक तो गया सिग्नल और आपका एक लैम्प पोस्ट था उससे टकरा के हुआ, फिर एक आपका इस राइट हैंड साइड पे जो एज है बिल्डिंग का इससे टकरा के जो है, तो इस तरह से एक ही यूजर से जो है मल्टी मल्टी टाइम जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हुए, और ये सारे सिग्नल क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट होते हुए इनका ट्रांसमिशन हुआ और रिसीवर पे ये रिसीव होंगे। तो अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि चूंकि जो डिफरेंट आपके चाहे वो आर वाला आर सिग्नल हो और चाहे वो आपका एस सिग्नल हो और चाहे वो आपका डी सिग्नल हो, ये सिग्नल बेसिकली तो एक ही है, लेकिन है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ को यूज करके जो है वो ट्रांसमीटर की तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं। इस कारण जब ये ट्रांसमीटर पर रिसीव होंगे तो इनका क्या है, एक तो पाथ जो है वो डिफरेंट हो गया, पाथ का साइज डिफरेंट हो गया, इस कारण इसमें क्या होगा जो रिसीविंग टाइम भी डिफरेंस होगा, ठीक है, किस किस समय पे ये रिसीव हुए। और वहीं पे आपको ईको और कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि आपका फेडिंग के कारण बेसिकली आती हैं, ठीक है। तो हमें किसी सिस्टम में ऐसी चीजों को रिमूव करना चाहिए कि ताकि ऐसा सिस्टम हमारा इसे डिस्टर्ब ना हो। फिर यही हम बात करते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस से। इसी पाथ मल्टी पाथ प्रोपगेशन के कारण भी यही भी इफेक्ट आता है हमारा कि ISI बेसिकली होता क्या है कि सिग्नल्स में कैंसिल आउट ड्यू टू द फेज डिफरेंसेस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया डिफरेंट पाथ यूज करके सिग्नल अगर गया जो है वो रिसीवर पे, और हो सकता है कि दो सिग्नल जो किसी सिस्टम पे रिसीव हो रहे हों उनके बीच में क्या हुआ, पहुंचने पर पाथ डिफरेंस के कारण उसमें फेज डिफरेंस भी आएगा, और फेज डिफरेंस अगर अपोजिट हो गया सेम सिग्नल का तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और फेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो दोनों कैंसिल कर लेंगे और यूजफुल जो इंफॉर्मेशन थी उसका लॉस हो जाएगा। और इसी मल्टी पाथ प्रोपगेशन के कारण ही किसी सिस्टम में जो है क्या होता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी आता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम रिमूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि किसी सिस्टम में हमारा इंटरफेरेंस ना आने पाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए,
दो जो है वो ट्रांसमिटेड पल्सेस आपकी मूव कर रही हैं, और इन ट्रांसमिट से जो हमारी पल्सेस हैं अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम है और अगर इनका जो है वो फेज चेंज हो जाए, तो फेज चेंज होके अगर ये ट्रांसमीटर पे दो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पाथ होंगे उनसे अगर ये टकरा के अगर पहुंचेंगी और जो है वो साइमल्टेनियसली जो इनका पहुंचने का समय है और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, और इस कारण भी हमारा जो है क्या होगा, सिस्टम में नॉइज आएंगी या यूजफुल जो है सिग्नल जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर हम फेडिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ फेडिंग की बात करें तो फास्ट फेडिंग होती है, स्लो फेडिंग होती है, फ्लैट फेडिंग होती है, सेलेक्टिव फेडिंग होती है, और इनके अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम फास्ट फेडिंग की बात करें तो रैपिड चेंजेस इन स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस अबाउट हाफ वेवलेंथ, ठीक है। और अगर स्लो फेडिंग की बात करें तो स्लोअर चेंजेस ड्यू टू यूजर पासिंग डिफरेंट हाइट बिल्डिंग्स, गैप्स इन बिल्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इसके काजेस क्या क्या है, ठीक है। और यहीं पे फ्लैट फेडिंग है, नॉन सिलेक्टिव है, अफेक्ट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज इन द सेम प्रोपगेशन, ठीक है। सिलेक्टिव फेडिंग की बात करें तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अफेक्टेड डिफरेंटली, ठीक है। तो इन सब की अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, ये किस तरह के सिग्नल को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, कब ये जनरेट होती हैं, कब ये सिस्टम में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और बेसिकली है क्या कि हम अभी तक अपने सिस्टम को इफिशियंट बनाने का प्रयास कर रहे थे, उस सिस्टम की को इफिशियंट बनाने में कुछ हमारे पास ड्रॉबैक आए, उसी ड्रॉबैक के तहत हमको जो है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस मिला, उसी ड्रॉबैक के तहत हमको जो है वो फेडिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, उसी ड्रॉबैक के तहत जो है हमने देखा कि नंबर ऑफ जो हमारे हैंड्स ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कैसे हम सिस्टम को यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर की इफिशियंसी इंप्रूव करने के प्रयास में कई सारे ड्रॉबैक्स भी आए, लेकिन इन सारे ड्रॉबैक्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चरल जो है वो उसके डिजाइन के थ्रू हम इसको मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं सब प्रयासों को करते हुए हम एक इफिशियंट सिस्टम को जो है डिजाइन करते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे यूजर उस सिस्टम को यूज कर पाने में एक समय में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सेलुलर कॉन्सेप्ट था उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड और जो भी हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।